सो व्हाट्सअप गाइस, आज हम लोग फिर से माइनक्राफ्ट की दुनिया में, और ये है मेरी दुबई सिटी। मैंने आपको बोला था मैं इसका हर घर दिखाऊंगा, लेकिन इस बार मैं वो नहीं दिखा पाऊंगा, वो जो है ना उधर एक्सपी फॉर्म अंडरग्राउंड, उसे मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा कभी। और तो सबसे पहले मैंने इसे बनाया था, तो मैं इसे दिखा देता हूँ। ये जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था, अरे गेम बहुत लैग कर रही है। ये छोटा सा घर, क्राफ्टिंग टेबल फर्नेस, इसके नीचे सुमरी लोग रहते थे, मतलब वही मुर्गी, और आगे है अपना पांडा लैंड। जब मैं पिछली बार एडवेंचर पर गया था तब इन लोग को पकड़ पकड़ के लाया हूँ, और ये पांडा लैंड ही नहीं, इसके पीछे एक सीक्रेट बेस भी है। वो रहा छोटा सा, ताकि बारिश हो गए तो ये लोग अंदर घूम गए, वो भी नहीं रखते इतने सारे पांडा लोग घुस पाएंगे। ये अपना जानवर का घर, ओ सॉरी इसे आग जलने की आवाज़ आती है। इस वर्ल्ड में एक बार हीरो भी ना चुका है, और उस बार इतना डर लगा था मुझे, शायद दूसरी बार आ रहा है। चलो छोड़ो, वैसे मुझे वो कुछ और अजीब चीज़ लगती थी, आई थिंक वो हीरो भी नहीं है। मैं ऊपर से जाता हूँ घर में, चलो नीचे से जाता हूँ। ये है मेरा मॉडर्न स्टोरेज रूम, मॉडर्न तो नहीं लगता, झोंपड़ा लग रहा है मुझे तो, यही ऐसा। अभी क्या कर रहे हो, तोड़ देना दरवाज़ा, मैं इसको धर्मशाला बनाने का सोच रहा हूँ। इतने सारे बेड रख देता हूँ, चलो ऊपर इतने सारे विलेजर हैं। हो गया अब इसके राजा ने, इतने में तो सारे लोग सो जाएंगे। मैं सोच रहा था कि मैं इसमें रहूँगा, लेकिन फिर मैं उधर रहने लगा। मुझे दुबई सिटी बनानी थी, इसलिए मैं सैंड में बनाने लगा, और ये हिंदुस्तान के मतलब ये सब घर, क्योंकि जैसे मैंने बनाने की कोशिश तो की लेकिन बन नहीं पाया, थोड़ा सा बनाया, अंदर भी वैसा ही है। और उधर चलते हैं, ये मेरी धर्मशाला। पहले मैं यहाँ पर रहता था तो यहाँ पर विलेजर बहुत ब्लीड करने लगे, तो मैंने एक ऊपर भी बना दिया धर्मशाला, बहुत बड़ी है, लेकिन अब कोई नहीं रहता। और आगे मेरा मॉडर्न ट्री, मतलब ट्री हाउस। ये मेरा आर्बर स्टैंड, आगे चलते हैं। ये इधर मेरा बेडरूम, ओ ये मेरा स्टोरेज रूम, स्टोरेज रूम नहीं मतलब ऐसे ही कभी ज़्यादा हो गया तो। इधर मेरा ये बालकनी, ऊपर आने के बाद हम लोग को मिलता है, इस साइड क्या है, ये लाइब्रेरी। इस साइड क्या है, इस साइड है किचन, इस साइड क्या है बेडरूम, और इस साइड होगा स्टोरेज रूम। चलते हैं वापस, कहाँ गई सीढ़ी, सीढ़ी कहाँ गई सीढ़ी, अच्छा हो रही, इतना अजीब है पता ही नहीं चल रहा। ये बालकनी से ही अपन भाग लेते हैं, अब कौन भागे उतना दूर तक। और अब आता है अपना बीकन, मैं आपको ये वाले घर भी दिखा देता हूँ, दोनों एक जैसे हैं, बस ऊपर छत थोड़ी अलग है। ये रहा, मैं पहले सोच रहा था यहाँ पे एक मॉडर्न हाउस बनाऊँगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास मटेरियल नहीं था उतना, यही था मैंने बना दिया। और ये हिंदुस्तान के मतलब जैसा उनका वेयर हाउस, मैंने बनाने की कोशिश की, उनके जैसे नहीं बनाया मतलब कभी। अंदर वही ऊपर भी ऐसा ही है, चलते हैं बाहर। अब आती है अपनी सैंड विलेज, मैंने आपको, ये एक फार्म है मेरा, पहले यहाँ पे ना एक स्विमिंग पूल था, मैंने तोड़ के उसको घर बना दिया, ऑटोमेटिक में लीवर दबाता तो फिर पानी का फुहारा निकल जाता। और यहाँ पे मैंने बीज को भी रखा है ताकि मेरी फसल जल्दी उग जाए, ये बहुत ज़्यादा ही जल्दी उग गई, बस ये तो मैंने अभी भी तोड़ा है इसलिए नहीं उगा है। ये मेरा ये टू स्टोरी है वो वीट फार्म और लाइब्रेरियन, और ये मेरे रिकॉर्ड धर्मशाला, मैं पहले इधर नहीं रहता था इसलिए बना दिया ऐसे ही। आगे तो वो है, मैं फार्म दिखाने वाला था, ये रहा फार्म। ये किसने मेरे इसको किया, मुझे बहुत बेकार लगता है जब कोई मेरे फार्म में ऐसे उखाड़ देता है तो। कौन सा फार्म है वैसे, ये कैरोट का, चलिए लग गया कैरोट, और चलते हैं। आगे है मेरी छोटी सी एक लाइब्रेरी,
ये नहीं, तो फिर अब आगे चलते हैं। पहले मैं अपना घर दिखा देता हूँ, जहाँ पर मैं पहले रहता था, अब नहीं रहता। ये रहा मेरा छोटा सा घर, रात होने वाली तो आज यहीं पर सो जाते हैं। वैसे मैं सोचते हूँ तो मैं टाइम से डे कर सकता हूँ, अभी मुझे सोना नहीं है, बस दिखाना है। थोड़ी देर बाद में लेकिन सो रहा है। ये नीचे वाली बिल्कुल ऊपर जैसा ही है। वैसे मैं इसको किचन बनाने का सोच रहा था, लेकिन मैं दो आइडिया नहीं आता है कैसे बनाऊँ। मैं प्रो नहीं हूँ, नो भी हूँ अभी तक। और इस साइड अपना अंडरग्राउंड स्टोरेज रूम, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में भी दिखाई दिया था। आगे चलते हैं। ये विलेजर को क्या अभी नौकरी करेगा क्या? ये भी अजीब इंसान है। तो टाइम से डे हो गया है, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे कार्टोग्राफर रहते हैं, पर कोई रहता नहीं, बस ऐसे ही फालतू बना के रखा। और ये है मेरा कैसल, कैसल नहीं मतलब नॉर्मल घर। ऊपर झंडा लगा दिया है मैंने, क्या कैसल। ये चेस्ट अपने, आगे दो डायमंड की भयंकर वाली शॉर्ड। ऊपर चलते हैं। अभी तुम लोग क्या कर रहे हो? और ये है अपना सेकंड फ्लोर। नीचे जैसा ये दो अंडर चेस्ट रखे हैं मैंने, मुझे मालूम है अंडर चेस्ट पास में रखना चाहिए, लेकिन रख दिया ऐसे ही डेकोरेशन के लिए। अभी उसका दरवाज़ा किसने खुला छोड़ दिया मतलब यार? अभी मैंने इसमें एक भी टॉर्च नहीं लगाई, बहुत रोशनी है। चलो ठीक है। और ये अपना टावर मैंने बनाया है ना, ये क्या है? पता नहीं कुछ भी होता रहता है। चलते हैं ऊपर, बहुत ऊँचे, वैसे नॉर्मल वाले से शायद ज़्यादा ऊँचा है। वो है उनका टावर, मैंने चपाती भाई जैसे बनाने की कोशिश की लेकिन बन नहीं पाया। उन्होंने पता नहीं कैसे बनाया, बहुत ही कम मुश्किल से बना हुआ। ये मेरा एक घर, मैंने ये इसमें स्पोर्ट्स वुड प्लैंक लगे हैं। ये है वो, तो ये तो स्लैब है, ये दो चेयर। आगे चलते हैं। और ये मेरा छोटा सा घर। अभी क्या कर रहे हैं वहाँ से? मामू उतर जा नीचे, मरेगा, उसको छोड़ो। ये देखिए छोटा सा रूम है, यहाँ पे पहले गार्ड रहता था, वो नहीं रहता, भाग गया उस घर में मेरे कैसल में। ये फॉलचर पता नहीं क्या टेबल का नाम है, फॉलचरिंग लोगों का हाथ, कोई रहता तो नहीं है। और ये मेरा छोटा सा अच्छा सा घर, ये मेरा फार्म उनके जैसे बनाने की कोशिश की लेकिन बन नहीं पाया। नहीं ये तो उनके जैसे शायद बना है, उस कंपोस्टर में ही। आगे चलते हैं आगे यहाँ पे। अरे तू क्या कर रहा है? सोता है क्या? चलो सो जा, अभी तो वैसे दिन है। और ये ऐसा ऊपर आ रहा है, और वो अपना वॉच टावर, इसे मैं बाद में दिखा दूँगा, दिखाई देता हूँ अब आ गए यहाँ पे। चलते हैं उड़ते उड़ते। यो मैं इस साइड डोर लगाने की सोच रहा था लेकिन नहीं लगा पाया, क्योंकि उस साइड वो सीढ़ी है ना। तो कैसी लगी आपको मेरी दुबई से? अरे एक घर तो बची गया, सॉरी सॉरी, ये वाला घर। आगे ज़ॉम्बी विलेज है, उसे हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कवर करेंगे। ये वाला घर तो मैं भूल ही गया एकदम से। ओ तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, मुझे नहीं मालूम था। ये घर में जब से मैं बनाया हूँ ना तब से नहीं आया हूँ। तो तब तो गाइस चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।